going drama related to Swachhata Abhiyan. यहाँ देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं चारों तरफ फैलते जा रहा हूँ. मुझे पूरा यकीन है कि मैं चारों तरफ में पूरे देश में फैल जाऊंगा. क्या मैं चारों तरफ पूरे देश में फैल जाऊंगा और मैं धीरे धीरे पूरे राज्य में अपना पूरे राज्य पूरा कचरा फैलाते जाऊंगा. मैं हूँ कचरा. कचरा जो चारों कचरा देवता. लेकिन तुम कौन नारायण बालिका? हाँ, तुम्हारे बात बात होने का क्या मतलब? जब तुमसे ज्यादा तुम्हारे लोग मेरी इज्जत करते हैं. मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये सब नहीं मानती. चलो दिखाता हूँ. This is the ending household where a mother celebrating her son engagement. संजना मैं कर रहा हूँ. हेलो जी, हेलो. लड्डू खाओ. मेरे पुत्र का ब्याह तय हो गया है. अब मेरे घर भी नू आएगी. लो लड्डू खाओ. बधाई हो, बधाई हो. ये क्या हो रहा है यहाँ? आइए जी, समधन जी आइए. समधन जी. और नहीं तो क्या? आपकी कुड़ी नाल मेरे पुत्र का ब्याह जो तय हो गया. अब मेरे घर भी नू आएगी. थोड़ा काम भी हल्का हो जाएगा. लो जी, लड्डू खाओ. ओए, कौन सी शादी, कौन सा ब्याह? हमने ये ब्याह तोड़ दिया है ना यार. स्वच्छता है ना, स्वच्छता का नामो निशान है. देखते हो, लड़की वाले होकर भी इतनी बातें, इतना गुस्सा. इनके तो भाव ही चढ़ गए. और नहीं तो क्या? हम आजाद नागरिक है. कचड़ा फैलाना हमारा हक है. हक है, हक है. मैं राजा हूँ. मैं सर्वशक्तिशाली हूँ. तुम अपने देश की हालत देखो. तुम हारी हुई हो. ऐसा मत समझो, मैं तुम्हें मिटा दूंगी. और खन्ना साहब, क्या हाल चाल है? क्या बताओ शर्मा जी, मेरे पुत्र ने साथी और ब्याह टूट गया. क्या? वही पुरानी कहानी. पता है लड़कियों लोग पूरे रात की प्रॉब्लम है. लेकिन ये बदबू आती कहाँ से है? देखो, किसी को बताना मत. जब सूरज ढल जाता है और बत्ती बुझ जाती तब मेरा पुत्र अमीर लुगाई घर का कचरा पिछली गली में डाल आते. फिर भी ये बदबू आती कहाँ से है? जब वो अपने हेलो जब वो नहीं देख रहे होते तब अपना हम अपने घरों का कचरा उनके घरों में डाल आते हैं. और जब हम नहीं देख रहे होते तो अपने घरों का कचरा हमारे घरों में डाल देते हैं. आखिर यही तो खास बात है. हम कहते कुछ और है और करते कुछ और है. लोगों को स्वच्छता के लोगों को दिखाने के लिए स्वच्छता के नारे तो सभी लगा लेते हैं, बस इसका पालन कोई नहीं करता. ये हम सबको पता है. देखा तुमने, तुम्हारे देश में तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं है. अब तुम देखो, तुम्हारे इस आतंक की वजह से इस देश में कितना आतंक फैलेगा. कितना फैलेगा? यह एक छोटे से शहर की छोटी सी गली. देखते हैं यहाँ लोग कितना बेहाल है. आइए राम जी, वेलकम टू आई लेवल. डोंट बी सरप्राइज बाय ऑल ऑफ दिस लिस्ट. वी आर यूज्ड टू एट लव. वी आर हेल्पलेस बाय बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस. These are the factors of dirty garbage to all over the country. But who will help you? I still have hope, Ravi Mahar. And here come my Prime Minister. Mahatma Gandhi.
गांधी हमारे राष्ट्रपिता इतने महान इंसान, लेकिन उनका जीवन था बिल्कुल सीधा साधा। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, इतने बड़े देश को दुनिया के सामने लाए, उन महात्मा गांधी के लिए हम क्या करें। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को साफ सफाई बहुत पसंद थी। उन्होंने कभी भी साफ सफाई के मामले में शर्म नहीं की। उनका विश्वास यही था कि इस देश को के तट मन और प्रशिस्त में अगर साफ सफाई बसती हो तभी यह देश विकास की ओर बढ़ सकता है। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्यारी थी सफाई, स्वच्छता। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता अगर सैकड़ों हजारों देशवासी मिलकर यह तय कर ले कि हम कभी गंदगी नहीं करेंगे, तो गंदगी नहीं होगी और हमारा देश दूसरों के सामने सीना तान के खड़ा होगा। स्वच्छ भारत का जन अभियान जग रहा है, हिंदुस्तान गली मोहल्ला और मकान जन जन तक पहुँचाइए पैगाम। थैंक यू।